फिर पहुंच गए भाई जगमाल कैरो के पास में, दिब्बण डिस्ट्रिक्ट कैथल, जींद और कैथल रोड पर, मेन रोड पर गांव पड़ता है दिब्बण। और भाई की पहले भी वीडियो कवर की थी, लगभग 26 लीटर दूध की भैंस भाई के पास में आज भी है, और आज दूसरे पशुओं की जानकारी आपको देंगे। बार बार स्वागत है जगमाल भाई का। इसी जगह ले जा छोटे जी, चल मोटर रेल नहीं से, कई तरिया के मानस देखे पर मिलता मेल नहीं से, और नौकरी करनी रे छोरे को अच्छी खेल नहीं से, और ब्याह करवा के देख लियो जिन्हें देखी जेल नहीं से। साढ़े तीन हाथ की काया थी मेरी, वह भी सरकारी होगी, और प्रेम कौर मन तेरी उड़गी चिंता भारी होगी। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंद रोली की तरफ से सारे भाइयों राम राम भाई। और भाई एक बार फिर जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया पशुओं की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज एक जगमाल भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। और ठीक हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब जमा। और बीमारी तो बच रहे हो भाई? बच रहे हैं भाई, यह चेपा। अच्छा, और अपने भाई पशु सभी स्वस्थ हैं? बढ़िया स्वस्थ है भाई। आज कौन से पशुओं की जानकारी दोगे जी? आज अपने एक जोटी बिहारी है, मोनी जोटी बिहारी है, और अपना बुल्ला है, और साथ में उनके बच्चे है, पशु सारे है। मतलब सेल के लिए कौन सा पशु आज किसने सेल करो? सेल के लिए तो भाई अगर अच्छा बायर लेगा तो आप ये जो बुला नहीं, योद्धा बुल, इसको सेल कर देंगे भाई। बुल ना सेल कर देंगे? हाँ, अगर भाई ठीक कीमत लगेगी कोई अच्छा बायर। हाँ, क्योंकि अपना भाई थोड़ा सामने में दिक्कत है भाई। अच्छा, ये समझदा नहीं है भाई, क्योंकि अपना छोटा जमींदार है, जगह भी थोड़ी है, और मतलब ये मांगा भाई अच्छा रहने सन, अगर जिसे ब्रीडर हो ना, ब्रीडर के पास जावा तो अच्छा रहेगा ये। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बात बताई भाई, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है। तो आज जो अपनी भाई भैंस है, जोटी है, एक बार पहले उसको लेके आए हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो अपना जोटी है भाई के पास में, जो भाई पिछली वीडियो में बताया था 26 लीटर दूध, अब कितना दूध दे रही है जी वो भैंस? जब शायद एक दो दिन ब्याने का बच रहा था उसका भैंस। हाँ जी, जो ब्याई हुई थी। हाँ, ब्याह चुकी थी जो भैंस है। ब्याह चुकी थी जो भैंस है ना, वो अभी है पीक पे जाने लग रही है। हाँ जी। अभी वो 18 लीटर पे है, 19 लीटर पे है फिलहाल मैं अपनी। वो अरे भाई जगमाल भाई बोले बाबा का भगत है, भाई ने पहले ही बताई थी ये लगभग तकरीबन काटिए दे भाई। हाँ, इसने भाई कितना दूध दिया अपने पास है? इसने भाई पिछले ब्याह में तो 26 लीटर निकाला था। अच्छा जी, अब की बार अभी पहुंची है धीरे धीरे, मतलब अभी 18-19 पे पहुंच गई है। 18-19 पे पहुंच गई है भाई। मैं 26 क्रॉस कर जाएगी उस टाइम मैं इसकी रिकॉर्डिंग वो करवाऊंगा भाई। हाँ, लाइव मिल्किंग, लाइव मिल्किंग करवाएंगे भाई। और भाई नीचे भी काटी है इसके? हाँ, नीचे काटी है भाई। अच्छा जी, तो और जो एक और है जो जोटी, वो इसी की बेटी है अपने पास में? हाँ नहीं, इसकी बेटी, इसकी बेटी तो ये गोरा है, इसकी बेटी। हाँ, और इसकी जो दूसरी है जोटी अपने पे, वो अपनी अलग ब्रीड है, अपने घर की जोटी है वो। अच्छा जी, उसने। हाँ, और ले आओ भाई, उन्हें ले आओ। खून पी इस भैंस ने, एक साल हो गई ब्याई ने, इत तक नया दूध हो की नहीं दे रही। ओए प्रीतल, के तरफ क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में के हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जी, इस भैंस ने खून पी लिया, एक साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई तो मैं बता दूं। हाँ भाई, ई बिलाया लेता हूँ मेरे संगे, यो न्यूट्री राइट खवा, और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री राइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। तो भाई जगमाल भाई के पास में जितने भी पशु हैं, एक से एक शानदार पशु है भाई, इसके बारे में बताओ जी, कौन सा ब्याह था इसका? अब ये तीसरा ब्याह की है भाई। अच्छा जी। हाँ, यह मोनी जोटी है अपनी, जो मोनी जोटी की पहले वीडियो बनी थी। हाँ जी, हाँ, हाँ वही मोनी जोटी है ये अभी। तो अब क्या काफ है इसके नीचे? कट्टा कट्टी है इसके नीचे, कटड़ी है भाई इसके नीचे भी, कटड़ी। हाँ, नवाब बुल्की से प्रेग्नेंट थी ये, नवाब बुल्की बच्ची है ये जो है भाई, नवाब बुल्की बच्ची है। तो कौन सा ब्याह था भाई साहब इसका? तीसरा ब्याह था भाई, तीसरा ब्याह था। कितने दिन की ब्याह होगी ये? ब्याह है तकरीबन यार 12-14 दिन की, 12-13 दिन की ब्याह होगी भाई। अच्छा, कितना दूध दे रही फिलहाल है? फिलहाल तो अभी मेले से चल रही है और दूध बनाएगी अभी, इस 12-13 लीटर दूध तैयार है फिलहाल। 12-13 हाँ, लीटर दूध तैयार है। दूसरे ब्यात में कितना दिया जगमाल भाई? दूसरे ब्यात में इन्हें 22 लीटर दिया भाई। दूसरे ब्यात में 22 लीटर दूध दिया इसने भाई।
मतलब कांटे के तोल का किलो दिया है या लीटर दिया? लीटर दिया भाई, 22 लीटर दूध दिया दूसरे बात में। अब नहीं पीक पे थोड़ी और भी आ जाती, इसको मैंने सरसों का तेल ज्यादा दे रखा था थोड़ा ब्याने से पहले, उसमें थोड़ी ठंडी पड़ जाता है पशु, और उसमें फिर ब्याने के बाद है ना थोड़ा टाइम लेते हैं पीक पे आने पे। अच्छा जी। हाँ, अगर पहले ब्याने से पहले ज्यादा तेल दे देंगे ना सरसों का तो टाइम लेती है फिर वो पीक पे आने पे। अब इस ब्यांत में कितनी उम्मीद है? तीसरा ब्यांत जो है भाई देखिए बहुत बढ़िया, अपना ऑर्डर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मुट्ठी वाला थन है, और भाई थना का जो गैप है वो भी बहुत बढ़िया है, और सेहत बहुत अच्छी है, रिंग सिंग है भाई। तो इस ब्यांत में कितने दूध की उम्मीद भाई? उससे नीचे तो रह नहीं, ऊपर ऊपर जाएगी, 23-24 चली जाएगी, चली जाएगी भाई 24-25। उसका अगर टाइम बैठ गया ना, भगवान ने शुक्र रखा 28-30 भी कृषक दोटी, अगर अच्छी खाती रही, अच्छे मतलब हजम करती रही, मतलब बढ़िया स्वस्थ रहेगी नहीं तो रोटी के तसली, मतलब 30 लीटर नहीं पहुंच जाएगी अपनी उम्मीद है भाई। उम्मीद है भाई पूरी 30 लीटर की, मैंने उम्मीद है भाई, और 24-22 तो मामूली सी बात है, 24-25 तो निकालना इसका, क्योंकि भाई बहुत मेहनती है भाई जगमाल भाई की, अपना चर्चा है क्योंकि अच्छा पशु रखते हैं, जितना भी रखते हैं बढ़िया पशु रखे जगमाल भाई। जगमाल भाई बहुत बढ़िया ये अपना जो सामने पशुधन है, अगर कोई भी खरीदना चाहो इसने, कोई भी भाई, पीछे भी आपकी वीडियो कवर की थी भाई, बहुत फोन भी आए होंगे भाई के पास में, भाई फोन भी आए हैं, बाकी या जोटी तो आप घर रखेंगे भाई, सेल नहीं करेंगे। अच्छा, इसको सेल नहीं करेंगे? नहीं, सेल नहीं करेंगे भाई, ये अपना घर रखे हैं, ब्रीड के लिए है भाई जोटी, ब्रीड के लिए। हाँ, इसकी एक ये मोनी है, इसकी एक बेटी है मनमोहिनी। अच्छा जी। हाँ, वो खरके की भी आएगी। अच्छा, बल्कि एक भाई का मेरे पास फोन आया था, और CF में है वो, अपने राजस्थान बांधवी गांव से है। अच्छा। बांधवी के पास गांव है, वो कह रहा था भाई अगर जो कीमत लगे मैं ले लूँगा रोटी को और मेरी होली। अच्छा। और कभी अगर दोबारा में मतलब जो आपको जरूरत पड़े तो मैं दे दूंगा आपको। तो पहले ही मतलब भाई इसकी तो पहला ये कीमत तय होली, जो भी आप कीमत बोलोगे। कीमत तो अभी बताया नहीं है, जैसे वह तैयार होगी भाई ऐसे देऊंगा, अगर बढ़िया वाली तैयार होगी तो बढ़िया वाली लेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि धन का धन मिलना चाहिए उसको। चलो उसने भी एक बार वीडियो में जरूर दिखाओ जी। ये अपनी भाई मोहिनी की बेटी मनमोहिनी, मोहिनी की बेटी मनमोहिनी। हाँ। भाई अपने पशु है के नाम रख रखे हैं, बस सारे के नाम बताओ। उसका तो मोहिनी है भाई। हाँ जी। ये उसकी बेटी है मनमोहिनी है। अच्छा। और जो अब की बार की बच्चा दिया है वो उसका नाम राधा, वो राधा रखिया। अच्छा जी। हाँ, और रानी की बेटी एक का गोरा है। अच्छा जी। और एक जो छोटी बेटी इबो जामी है, जो इब के नीचे है दूध चुंग रही है, उसका नाम रखिया पार्वती। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई ने नाम रख रखे हैं, अपना जितनी भी मैंने बोले के परिवार से रख रखे हैं भाई, बोले के परिवार से रिलेटेड जितने भी नाम हैं संबंधित हैं वो नाम, क्योंकि बोले का भगत है। हाँ, बोले का भगत जी। तब इस काटी के बारे में बताओ जी, कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र है जी भाई 2-3 टाइम या। अच्छा, फिलहाल। हाँ जी। और ब्याने का रह रहा है इसका 1.5 महीना ले लो या 2 महीना ले लो, 1.5-2 महीने का। कौन से बुल से प्रेगनेंट है? ये सरकारी सीमेंट से प्रेगनेंट है। कौन से बुल की बेटी है ये? उसकी है अपना सरकारी योगी है, ये भी सरकारी की है, मदर मिल्क शायद 22 लीटर बताया। हाँ, वो 22 लीटर वाली माँ की, इसकी माँ के नीचे 22 लीटर दूध है, 22 लीटर दूध इसकी माँ ने जो है अपना दूसरे ब्यात में दिया जी। हाँ, दूसरे ब्यात में दिया भाई। अब तीसरी बार वह ब्याई हुई है भाई, 10-12 दिन की ब्याई हो चुकी है। तो भाई इसने भी जो आप बता रहे हो राजस्थान से भाई के फोन के माध्यम से संपर्क हो चुका है। तो राकेश नाम है उसको भाई का भाई, वो CF में है, और वो 2 महीने बाद, 100 का बना, 2 महीने बाद में भाई यह बच्चा देगी। हाँ। उसके बाद में जो भी कीमत होगी, हाँ जो भी अच्छी बनेगी तो अच्छा, मतलब हाँ जैसी भी अच्छी बनेगी, अगर अच्छी बढ़िया रहेगी तो भाई देखे अच्छी कीमत में ले लेगा अगला। हाँ। ऐसे तो है नहीं है भाई, भैंस तो रहे अड़की ही और पैसे लगे अगला के ज्यादा, वो काम तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, पशु के हिसाब से ही भाई पैसे लेंगे, कोई के साथ धोखाधड़ी नहीं करना अपने। देखिए भाई जगमाल भाई जितनी भी जानकारी देते हैं साफ सुथरी जानकारी देते हैं, और भाई पशुओं की तो आप खुद सामने देख सकते हैं, जितने भी पशु हैं बहुत शानदार पशु हैं। तो एक बुल और है भाई सेल के लिए भाई के पास में, उस बुल को और ले आओ जी, उसकी योद्धा नाम रख दिया भाई इस बुल का। 3 साल ये 3.5 साल का आसपास हो गया भाई, 3.5 साल उम्र है जी। हाँ। ये बुल कौन से, ये किसका बेटा है? ये M29 का बेटा भाई, M29 का बच्चा है। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है जी दूध? इसकी माँ का रिकॉर्ड दूध का है नहीं है, लेकिन दूध की बहुत अच्छी थी, अपनी जान पहचान की जगह से बुल लेके आया था मैं। अच्छा, ये मैं ये नहीं कहूंगा इसका है अपने, वो नहीं आती यार, झूठ नहीं बोलनी आती, बहुत बढ़िया जी। ये अपने मिली जुली बंदे के पास से आ रहे भाई, और अच्छा रिकॉर्ड, अच्छी उसकी माँ का दूध था, मतलब रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा जी, ठीक है ना। तो भाई साहब इसको हाइट भी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार इसकी हाइट, 5 फुट 7 इंच हाइट है। फिलहाल इस टाइम में 4 दांत या 6 दांत होया मिलेगा। अच्छा।
हाँ बड़ी मुँह दिखा एक बार भाई मुँह मुँह काट के दिखा भाई क्या चार दांत है कितना है चार दांत हाँ चार दांत भाई मतलब चार दांत भी हो सकता है भाई थोड़ा टाइम लेगा लले हाँ जी बिल्कुल बिना 20 दिन में जानकारी जो है इसकी भी भाई ना पूरी जानकारी जो है जनरल हाइट का क्या होता है बच्चे बहुत बढ़िया आ रहे हैं भाई उनसे लंबे बच्चे आ रहे हैं क्रॉसिंग करवाई है आपने हाँ क्रॉसिंग सिमन ने डायरेक्ट क्रॉसिंग करा रखी है भाई इसकी क्या फीस है भाई क्रॉसिंग फीस क्रॉसिंग फीस है भाई इसकी 500 रुपए अपना 500 रुपए रिजल्ट बढ़िया आया है बढ़िया रिजल्ट आ रहे बढ़िया बच्चे आ रहे हैं इसी करके ये थोड़ा कमजोर है भाई अच्छा जी हाँ महीने में क्या क्रॉसिंग करवा दो भाई महीने में तकरीबन होने रहा 25-30 क्रॉसिंग तो पक्की है अच्छा उसके बावजूद भी भाई से ते ठीक है बोल हाँ माँ भाई ज्यादा क्रॉसिंग नहीं कराते मतलब जिस तरह एक या दो 25-30 हाँ डेली वेज की मतलब अगर आए तो एक दिन तो एक भी ना आए और नहीं दो से ऊपर नहीं क्रॉसिंग कराते बस हाँ तो क्या कीमत रखी है इसकी भाई जगमाल भाई इसकी अगर अच्छा बायर मिलेगा अच्छा कोई गरम पालन वास्ते लेगा उसको भाई टाइम पे बता देंगे भाई ये पहले तो अच्छा फोन के माध्यम से नहीं फोन के माध्यम से कोई भी भाई खरीदना चाहे ये बोल ले भाई के पास सेल के लिए अवेलेबल है और ये भाई अपना सरकारी सीमन का जो है बेटा है इसकी माँ का दूध का भाई साहब ने बताया हमने खरीदा था भाई तो वहाँ जो बताया था 18-20 बताया आपने हाँ 19 के आसपास था इसकी माँ का दूध तो 19-20 के आसपास था 3.5 साल इसकी उम्र होगी है भाई जगमाल भाई फोन नंबर क्या है अपना 80590 60253 80590 60253 यो भाई का फोन नंबर है तो कोई भी भाई अगर ये अपना जगमाल भाई के बुल को योद्धा नाम है जी योद्धा नाम है भाई अगर खरीदना किसी प्रदर्शनी में लेके गए हो जी प्रदर्शनी में नहीं भाई कभी नहीं ले गए ऐसे शौक नहीं था इतना अपने को ज्ञान नहीं था लले अच्छा जी हाँ अभी ज्ञान यूट्यूब देख के ना थोड़ा बहुत ज्ञान आया अभी अपने पशुओं पता लगे भाई कैसे अपने अच्छे है तभी हो रहा और पूंछ में भाई साहब जमा थोड़ी ही वाइट है नहीं पूंछ जमा सारी ब्लैक है तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया जितने भी पशु हैं सब अच्छी क्वालिटी के और शानदार पशु हैं जगमाल भाई के पास में सबकी आपको जानकारी दे दी लेकिन सेल के लिए ये बुल योद्धा बुल अवेलेबल है फोन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं भाई और आगे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पशुओं की जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे आपको और अजय भाई शरीफ इतना है अगर बच्चे पहले भी एक वीडियो में कवर हो रहा है थोड़ा बुल बच्चे थे ऐसे हाथ फेर रहे थे पुंजड़ उठा के ऐसे ही खड़ा रहता है बिल्कुल शांत नस देखो भाई सब एक एक किस तरह खड़ी है एक एक नस दिखाई दे रही है एक एक नस दे रही है दिखाई देख बुल की अपना और भाई याकद काठी जब है जब महीने में 25 भैंस हाँ क्रॉसिंग करता है क्रॉसिंग लगभग इतना करता है अगर इसको ब्रीडर की तरह घर पर वैसे ही खिलाता रहे ना और सीमेंट सीमेंट भरवाए ये बहुत तगड़ा मतलब शरीर में अगर दुगुना हो जाए ना जैसे अपना बूढ़ा खेड़ा वाला है हाँ जी और जैसे ये युवराज और हाँ सुल्तान है युवराज है उनकी टक्कर का बुल है भाई हाइट में और लंबाई में तो भाई कोई भी भाई खरीदना चाहे तो आप जगमाल भाई से संपर्क कर सकते हैं तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पशु ऐसे ही जगमाल भाई आप तैयार करते रहें और भाई वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर शेयर करें और भाई कमेंट ज़रूर करें हौसला बढ़ाने के लिए पशुपालक भाइयों का जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान राम 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 भाई।